of members of this thing form a base for this thing. Yaad kijiye, base ki parbhasha kya thi? Base was a subfamily of this thing, such that each member of this thing could be expressed as a union of members of this thing. Subbase kya hai? Subbase jo hai, वो भी इसकी एक सब फैमिली है, लेकिन कैसी फैमिली है कि इस फैमिली के अगर आप फाइनेटली मेनी मेंबर्स का इंटरसेक्शन लें एंड डू दिस थिंग फॉर ऑल पॉसिबल फाइन सेक्शन, तो एक नई फैमिली जो मिलेगी सबसेट्स की एक्स के, दैट शुड फॉर्म ए बेस फॉर दिस थिंग. तो ध्यान से देखिए, सब बेस इज ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, इन फैक्ट ओपन सबसेट्स, such that the collection of all possible finite intersections of members of this family, acha iska naam dena bhul gaye, as ye hai this thing, this should form a base for this thing. Now you see that pehli cheez to ye jaise maan lijiye, ek cheez hum aapko dhyan dila dein, wo shayad aap aksar ladkon ko dikkat hoti hai, hamara ye tajurba hai. Jaise maan lijiye ki let AI be a subset of X. ठीक है, suppose this is the case. बहुत सारे subsets हैं. तो आपको मालूम है कि set theory में intersection of AI कैसे डिफाइन करते हैं? वो डिफाइन करते हैं एज द कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ X, सेट दैट X बिलोंग्स टू AI फॉर एवरी I इन दिस थिंग. ठीक है, बिल्कुल आसान सी इनोसेंट सी डेफिनेशन है. कभी आपने इस पे ये ध्यान नहीं दिया होगा कि व्हाट हैपेंस. सो हमारा क्वेश्चन है कि what happens if the index set पे कुछ भी नहीं है. देखिए, हमारा मकसद है to be able to define the intersection of any family of subsets of this thing. ध्यान दीजिए, any family, चाहे उस फैमिली में 10 मेंबर्स हों, चाहे 1000 मेंबर्स हों, चाहे नेट मेंबर्स हों, चाहे कोई भी मेंबर ना हो. तो अगर कुछ मेंबर्स हैं तब तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सी सादी लगती है, लेकिन अगर इस फैमिली में कोई भी मेंबर नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज ये कहता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू ईच ए आई. लेकिन अगर इस फैमिली अगर आई एम्प्टी है तो कोई ए आई मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज हमारा सवाल ये हो जाएगा कि व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, राइट, ये क्या होना चाहिए. तो हम चाहते हैं कि हम इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सबसेट्स सभी इंडेक्स सेट आई के लिए डिफाइन कर पाए, यानी सभी का मतलब जिसमें कि एम्प्टी सेट भी शामिल हो, जिसमें एम्प्टी सेट भी शामिल हो. सो what is to be done or what is done is the following. जैसे ये कुछ कुछ ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने ग्रुप्स पढ़ा हुआ है, ये मान लीजिए आपका ग्रुप है जिसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन है, राइट. आपको मालूम है अगर कोई एलिमेंट एक्स है तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स. एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स तीन बार. ऐसे ही आप एक्स टू द पावर एन डिफाइन कर लीजिएगा. लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम x टू द पावर n डिफाइन कर पाए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n. तो ये n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, n है. लेकिन अगर n बराबर 0 के है तब ये किसके बराबर है, राइट. तो आपको ध्यान होगा कि हम लोग ग्रुप थ्योरी में इसको डिफाइन करते हैं एज दिस थिंग इज इक्वल टू e, राइट. ये डेफिनेशन है,
राइट। सो दैट मीन्स दैट इज कि अगर n बराबर जीरो है तो हम उसको डिफाइन करते हैं ऐसे, ये चीज है राइट। तो ये चीज यहां से नहीं आती है, x x स्क्वायर दो है, तीन है, चार तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई भी नहीं है x, x टू द पावर जीरो मीन्स यू आर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ सम एलिमेंट जीरो टाइम्स, देन वी डिफाइन इट लाइक दिस थिंग। वही समस्या यहां पर भी है, अगर i में कुछ एलिमेंट्स हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर एक सेट है, दो सेट है, तीन सेट है, हजार सेट, तब भी कोई डिफाइन, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तब कैसे डिफाइन करेंगे, यहां एक समस्या है, यहां एक समस्या है। सो व्हाट पीपल हैव डन इज वी डिफाइन दिस थिंग टू बी इक्वल टू x। इस पे ध्यान रखिए, ये हमारी डेफिनेशन है। We define like this thing. और ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, इसके लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक ये है कि जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास ये है, दो सेट्स हैं, ये सब के सब जो है, ये किसी बड़े सेट के सबसेट्स हैं, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, बहुत सारे सबसेट्स हैं। दो सेट्स का इंटरसेक्शन कुछ निकालिएगा, अगर इसमें इसका जो साइज होगा, अगर एक और ले लीजिएगा तो जितना बड़ा ए वन सेक्शन ए टू होगा ये थोड़ा और छोटा हो जाएगा, इसमें एक और जोड़ दीजिए इसका साइज और छोटा जाए, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सबसेट बढ़ाते जाएंगे इंटरसेक्शन का साइज छोटा होता जाएगा राइट। लेकिन छोटा होने के बाद मिलेगा क्या, आपको इसका सबसेट ही मिलेगा राइट। तो ज्यो ज्यो आई के अंदर मेंबर्स की संख्या बढ़ती जाएगी इसका साइज छोटा होता जाएगा अमूमन। कन्वर्सली जितने मेंबर्स कम होंगे अगर इसको निकाल देंगे तो जो ए वन सेक्शन, ए टू सेक्शन, ए थ्री सेक्शन, ए फोर का साइज इसको निकाल देंगे इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इसको निकाल देंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसको निकाल देंगे तो और बड़ा हो जाएगा वगैरह। ठीक है प्लीज। तो इसका तो जैसे जैसे मेंबर्स कम होते जाते हैं इंटरसेक्शन का साइज कम होता जाता है, बढ़ता जाता है और जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाते हैं साइज जो है बढ़ता छोटा होता जाता है। तो उस लॉजिक से अगर नंबर ऑफ सबसेट्स इन्वॉल्व एकदम कम हो जाए, एम्प्टी हो जाए, कुछ ना रहे, तो साइज क्या बन जाएगा, इसका सबसे बड़ा सबसेट। तो सबसे बड़ा सबसेट क्या है, एक्स राइट। तो दैट इज व्हाई पीपल हैव कम टू दिस एग्रीमेंट दैट लेट अस डिफाइन The intersection of an empty family of subsets to be equal to x. ये ध्यान रखिएगा राइट। तो हो सकता है कि जब आपको पढ़ाया गया हो तो ये चीज आपको ना बताई गई हो कि अगर इंडेक्स सेट एम्प्टी है तो दिस इज हाउ वी डिफाइन द इंटरसेक्शन। ऑलराइट, कमिंग बैक टू दिस थिंग सो दिस सेज कि ए सब बेस इज ए कलेक्शन ऑफ ओपन सबसेट्स सच दैट द कलेक्शन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल फाइनाइट मेंबर्स ऑफ दिस थिंग, ऑल पॉसिबल फाइनाइट के अंदर दो एलिमेंट हो, चार एलिमेंट हो, हजार एलिमेंट हो, लाख एलिमेंट हो, लेकिन फाइनाइट में जीरो एलिमेंट भी हो सकता है। जीरो एलिमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि यू आर टेकिंग इंटरसेक्शन ओवर ए फैमिली जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, समथिंग लाइक दिस थिंग। कीप दिस इन माइंड राइट। सो यू सी, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए सब बेस, अब आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ओके, लेट मी तुरंत एक हम रिजल्ट प्रूव कर दें बिफोर आई गिव एग्जांपल्स। देखिए हम लोगों ने देखा था याद कीजिएगा, हम लोगों ने देखा था कि यहां लिख देते हैं, कल देखा था हम लोगों ने कि नॉट एवरी family of subsets of x is a base for some topology on x. याद है कल हमने प्रूव किया था कि b is a base if and only if two conditions satisfied. तो अगर दोनों में से कोई भी condition satisfied नहीं होगी तो कोई ये b आपका base नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि every family
of subsets of X is a subbase for some topology on X. देखिए यहां पर क्या था, नॉट एवरी, यहां बदल गया. यहां पर देखने की बात है कि एवरी फैमिली विल टर्न आउट टू बी अ सब बेस फॉर सब टॉपोलॉजी. ये एक चेंज आ गया, ये एक चेंज आ गया, ये एक चेंज आ गया. और इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि लेट बी बी the family of all possible finite intersections of members of this thing. We show that B is a base for some topology, say T in which case this will obviously be a subbase. अब आगे लिखने पर समझा दें क्या लिखा है. हम दिखाना चाहते हैं कि हर फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज डेफिनेटली अ सबबेस फॉर सम टोपोलॉजी. तो हम कैसे दिखाएंगे, हमने क्या किया कि इस फैमिली के फाइनेटली मैंने मेंबर्स के इंटरसेक्शन ले लिया, ऐसे जितने भी हो सकते सब इकट्ठा कर लिया, एक नई फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स मिल गई, उसका नाम बी दे दिया. फिर दिखा देंगे बी इज अ बेस फॉर सम टोपोलॉजी. कैसे दिखाएंगे, वो जो कल का रिजल्ट था कि ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज ए बेस फॉर सम टोपोलॉजी, दो कंडीशन सेटिस्फाइड. दो कंडीशन क्या थी कि इनके मेंबर्स की यूनियन एक्स हो, दूसरी क्या थी, अगर दो मेंबर्स हो बी वन बी टू, तो अगर कोई x बिलोंग करता है b1 सेक्शन b2 को तो एक और इसका मेंबर मिल जाएगा b3 कंटेनिंग x, such that b3 is contained in b1 सेक्शन b2, तब ये हो जाएगा बेस फॉर सम टोपोलॉजी. तो हम दिखा देंगे दिस सेटिस्फाई दोस टू कंडीशन, सो दिस विल बी बेस फॉर सम टोपोलॉजी, जिसका नाम हमने t दे दिया है. तो अगर ऐसा हो गया तो चूंकि दिस b इज नथिंग बट b इज फॉर्म बाई टेकिंग ऑल फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग, तो अगर ये इसका बेस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ सब बेस फॉर दिस टोपोलॉजी. तो हमारा मुख्य मकसद ये दिखाने का है दैट दिस इज अ बेस, दैट मीन दिस सेटिस्फाइज टू कंडीशंस, दिस वी शो एज फॉलोस. और इसको हम यही दिखा देंगे, इसकी हमको जरूरत नहीं है, ये हमने ऐसे आपको समझाने के लिए लिखा था ग्रुप वाली चीज, दिस आई डोंट नीड. माय गॉड, ये क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा, ये मेरा पेन गायब हो गया, जस्ट अ मोमेंट, क्यों नहीं आ रहा है. ओके ओके, सो तो पहले तो आप ये नोट कीजिए, क्यों नहीं हो रहा, सो फर्स्ट यू नोट दैट
first note that x belongs to this thing. Kyun? Because B is the family of all possible finite intersections. So finite means including zero members, right? तो अगर आप ले लीजिए B की empty sub family का intersection जो हमने define किया था, उसका intersection क्या हो जाएगा? पूरा पूरा x हो जाएगा. So x will be a member of x will be a member of this thing. क्योंकि B क्या है? B is formed by taking the all possible finite intersections of members of this thing. तो आपने इसके एम्प्टी मेंबर्स ले लिए, एम्प्टी फैमिली ले ली, उनका इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज गोइंग टू बी इक्वल टू x. तो x विल बिलोंग टू b. दैट इज व्हाई आई कैन राइट दैट x बिलोंग्स टू b. सो देयरफॉर यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस जिसमें कि x भी शामिल है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल टू x. तो B को बेस दिखाने के लिए हमने आपके हमको दो चीज दिखानी है. क्या भी चीज किया कि B के सभी मेंबर्स की यूनियन X है, जो कि अब हो गया. और दूसरा क्या दिखाना है, अगर दो मेंबर्स ले लें, मान लीजिए B1 B2, और अगर कोई एलिमेंट X ले लें बिलोंगिंग टू B1 सेक्शन B2, तो हमको तीसरा मेंबर मिल जाएगा B3, सच दैट X बिलोंग्स टू B3 एंड B3 इज कंटेन इन B1 सेक्शन B2. वो हम दिखाते हैं. नेक्स्ट let bi and bj belong to this thing. Do member le liye humne bi bj, bijaye b1 b2 ke i am taking bi bj, kyunki ye better notation hai, aap dekhiyega kyun, right? So suppose bi is equal to, इसके मेंबर्स क्या हैं? इसके मेंबर्स हैं एस के फाइनाइटली मेनी मेंबर्स के इंटरसेक्शन. तो मान लीजिए एक मेंबर है आपका एस आई वन, एक है मान लीजिए एस आई टू, लिखा हमने गलत है. एक मेंबर ये हो गया, एक मेंबर ये हो गया, नेक्स्ट हो गया मान लीजिए SI3 वगैरह वगैरह, और यहां तक आप चले गए SIN तक. और ऐसे ही BJ जो कि इसका मेंबर है, वो भी S के फाइनेटली मैंने मेंबर्स का डिस्कशन होगा. तो मान लीजिए वो है SJ1 इंटरसेक्शन S J2 इंटरसेक्शन वगैरह वगैरह, SJM, वेयर SI1, SIN, फिर SJ1, फिर SJM, दे आर ऑल are from this family. तो S N members का intersection है और J जो है M members का intersection है इसका, right? अब मान लीजिए कि suppose X belongs to BI intersection BJ. ठीक है. Now, put BI intersection BJ to be equal to, कुछ और नाम दे देते हैं छोटा सा, BK. Now, note that, ध्यान दीजिएगा, note that
BK belongs to B. भाई इस पे बिलोंग करने के लिए क्या शर्त है? इसमें वही x सबसेट बिलोंग करेंगे जिनको हम लिख पाते हैं एज ए फाइनाइट, एज इन इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ दिस थिंग. अब बी आई जो है वो भी फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का इंटरसेक्शन है, और बी आई भी है और बीजे भी है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ये वाला और इसकी जगह लिख देंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी, बी के इज ऑल्सो गोइंग टू बी, बी के इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरसेक्शन ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, एन प्लस एम मेंबर्स. तो स्टिल लिटिल, क्योंकि ये भी फाइनाइट, ये भी फाइनाइट है, तो दो बार फाइनाइट को जोड़िएगा तो फाइनाइट ही रहेगा. तो बी के इज अगेन एक्सप्रेसिबल एज इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ स्क्रिप्ट एस, इसलिए बी के इज गोइंग टू मेंबर ऑफ दिस थिंग. राइट, नाउ यू कैन सी दैट क्लियरली x belongs to this thing, इसी का नाम bk है, so I can write like this thing, और bk जो है वो इस पर contained है, because इसका मतलब क्या होता है कि bk is contained in or equal to, in fact bk is equal to this thing, bk is equal to this thing, तो आप यहां equal भी लिख सकते थे, so you can see that given two members bi and bj of this, we are able to find a third member bk which contains x and which is contained in bi intersection bj for every element, for every element x of this thing. So therefore this b satisfy both the properties. Pehli property kya thi ki iske sabhi members ki union x honi chahiye, jo ki aapne yahan dikha diya. Aur phir kya dikhana tha ki agar hum do members le lein और उनमें उनके सेक्शन में कोई एक्स ले लें तो इसी काम को एक तीसरा मेंबर मिल जाएगा जिसको हमने बीके दिखाया, सच दैट दिस थिंग हैपेंस. राइट, सो दिस शोज, दीज टू थिंग्स शो दैट देयरफॉर बी इज ए बेस फॉर ये हमारा पेन ठीक से चल नहीं रहा आज, सम इसकी निप, इसकी टिप कल बदलेंगे, टिपोलॉजी ऑन एक्स वही दिखाना चाहते थे. हेलो सर. हाँ बोलिए 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 सर. बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही. यूनियन एक्स होगा वो और एक बार समझा दीजिए ना. नहीं हम ये कह रहे हैं, नहीं उसमें आपको आपको केवल इस पे ध्यान देना है कि व्हाट शुड बी ए रीजनेबल डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए फैमिली, इंटरसेक्शन ऑफ एन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स. राइट, तो हमने कहा कि अगर समझ में ना आए तो उसको हम लिख देंगे, दिसको वी डिफाइन दिस थिंग टू बी इक्वल टू एक्स. राइट, इंटरसेक्शन ऑफ एन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स by definition is equal to x. और कारण उसका यह बताया था, उसका लॉजिक लोगों ने ऐसा क्यों डिफाइन किया, इसलिए डिफाइन किया है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सबसेट की संख्या बढ़ती जाएगी इंटरसेक्शन का साइज छोटा सा जाएगा, कन्वर्सली जैसे जैसे सबसेट की संख्या कम होती जाएगी इंटरसेक्शन का साइज बढ़ता जाएगा. मैक्सिमम कब होगा, जबकि नंबर ऑफ सबसेट्स निल हो, एम्प्टी हो, और सबसे बड़ा साइज का सबसेट एक्स का क्या हो सकता है, एक्स होता है. तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में देख करके लोगों ने डिफाइन किया कि लेट अस एग्री टू डिफाइन द इंटरसेक्शन ऑफ एन एम्प्टी फैमिली ऑफ सबसेट्स टू बी इक्वल टू एक्स. तो अगर आपने एक बार इसको स्वीकार कर लिया, देन आई कम टू दिस थिंग. हमने क्या किया कि बी इज द फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल फाइनाइट सेक्शन जितने भी हो सकते हैं. राइट, इसमें हमने लिखा नहीं है लेकिन इंक्लूडिंग including none, यानी ऐसी फैमिली जिसमें कोई मेंबर नहीं है. राइट, तो अगर कोई मेंबर नहीं है तो वही वाली सिचुएशन आएगी, ये वाली. तो चूंकि बी
कंसिस्ट ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल, कोई नहीं छूटेगा, तो उसमें जीरो वाला भी आ जाएगा, एम्प्टी वाला भी आ जाएगा। तो जब एस की एम्प्टी सब फैमिली का लेंगे इंटरसेक्शन, जब एस की एम्प्टी सब फैमिली का लेंगे इंटरसेक्शन, तो उसका इंटरसेक्शन बाई डेफिनेशन इक्वल टू एक्स, और चूंकि इसमें सारे फाइनाइट सेक्शंस इंक्लूड है तो एक्स बिलोंग कर जाएगा, दैट इज वाई दिस एक्स बिलोंग टू दिस थिंग। तो जब एक्स इसमें चला गया और बी के मेंबर्स क्या है, बी के मेंबर्स एक्स के सबसेट्स हैं, तो जब बी के सभी मेंबर्स का जब हम यूनियन लेंगे तो उसमें एक एक्स भी तो शामिल है, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स, दैट इज वाई दिस इज गोइंग टू हैपन। बात समझ में आई कि नहीं? हेलो हेलो, समझ में आई पर वो लेकिन थोड़ा नहीं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबको दिक्कत होती है। दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 30-40 इयर्स, कि ये चीज़ एक्सेप्ट करने में, ये चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी, थोड़े से बच्चे असहज महसूस करते हैं, राइट? हाउ डू वी डिफाइन लाइक दिस थिंग, क्योंकि डेफिनेशन हमारी ये कहती है, डेफिनेशन हमारी ये कहती है, लेकिन इस पर ये वाली चीज़ जो है, ये जो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, ये मान के चलती है कि इस फैमिली में कम से कम कुछ तो AIs हैं, एक ना एक सबसेट तो है, राइट? सवाल ये उठता है जब एक भी सबसेट नहीं होगा तो वहां पर ये डेफिनेशन फेल कर जाएगी, दिस डेफिनेशन विल नॉट मेक एनी सेंस अगर इसमें कोई भी सबसेट नहीं है, राइट? लेकिन वहां के लिए भी हमको इंतजाम करना है। हम चाहते हैं कि हम ऐसा इंतजाम कर दें कि आई कोई भी सेट हो, इंक्लूडिंग इसमें कोई एलिमेंट ना भी हो, तब भी हम डिफाइन कर पाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो उसी का ये रेजोल्यूशन है, उसी का ये सोल्यूशन है, उसी का ये प्रपोजल है। वी प्रपोज टू डिफाइन इंटरसेक्शन of an empty family of subsets to be equal to x. अगर एक बार ये समझ में आ गई बात, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। All possible finite section, finite का मतलब क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, जीरो भी हो सकता है, कोई मेंबर ना हो। अगर कोई मेंबर नहीं होगा तो एग्जैक्टली आपको ये वाली सिचुएशन मिल जाएगी, यू विल गेट दिस थिंग, राइट? तो उस केस में जो सेक्शन मिलेगा empty family का, वो क्या मिलेगा? x मिलेगा, और सबको इसके अंदर होना, तो x will belong to this thing। और b है क्या, राइट? बी जो है एस कई तो मेंबर्स का इंटरसेक्शन है, चूंकि एस का हर मेंबर एस का सबसेट है, तो जब इंटरसेक्शन लीजिएगा वो भी एक्स का सबसेट होगा, यानी कि बी के सब मेंबर जो होंगे एक्स के सबसेट होंगे, उन्हीं सबसेट में एक्स भी शामिल है। तो अगर बी के सभी मेंबर्स का ले लेंगे यूनियन, तो आपको एक्स मिलना ही मिलना, एक्स से बड़ा तो हो नहीं सकता, चूंकि सारे के सारे मेंबर्स बी के एक्स से छोटे हैं, उनमें एक एक्स भी है, इसका मतलब यूनियन इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स, राइट? हेलो, यस सर, है ना? हाँ, अभी आपने यस सर थोड़ा अभी भी ठीक से नहीं बोला है, बट आई अश्योर यू कि थोड़ा जब लौटिएगा इस क्लास के बाद, व्हेन यू गेट सम टाइम, सो जस्ट स्पेंड लिटिल टाइम ओवर दिस थिंग। ये डेफिनेशन एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर देखिए कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेइंग दैट बी द फैमिली ऑफ ऑल पॉसिबल फाइनाइट, कुछ नहीं छूटेगा, फाइनाइट संख्या कुछ भी हो, चाहे इंक्लूडिंग जीरो, तो जीरो वाले वाले केस में ये वाली चीज लागू हो जाएगी, x यहां चला जाएगा, जो ही x चला जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग, रेस्ट इज ऑफ कोर्स। सो दिस इज अ रिमार्केबल थिंग कि हर फैमिली ऑफ सबसेट बेस तो नहीं होगा, लेकिन हर फैमिली ऑफ सबसेट किसी न किसी टोपोलॉजी का सबबेस हो जाएगा, राइट? तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी कॉपी कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देन लेट मी शो यू हाउ डू वी, इसकी कॉपी इसकी लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, सो से फॉर एग्जांपल अच्छा, ओके सो मे बी आई डू हियर, ओके एग्जांपल, मान लीजिए हमने लिया लेट एक्स बी इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी बी इक्वल टू ए बी BC. Question: is B
a base for some topology. On X, no. Since B K members sabka union B is not equal to X. Exactly. This is not equal to X. Fail kar gaya. Right? Is B a subbase for some topology? Yes. The previous proposition guarantees this. वो कहती है कोई कंडीशन नहीं चाहिए. यस तो हो गया. अब सॉल्व होता है. ओके ओके देन व्हाट टोपोलॉजी इज गिवन बाय दिस थिंग. तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसका नाम बदल देंगे. इसको बोल देते हैं S, इसको बोल देते हैं S, इसको बोल देते हैं S. तो ये बेस तो नहीं हुआ, सब बेस हो गया. राइट, व्हाट टोपोलॉजी इज गिवन बाय दिस थिंग. राइट, तो the topology say this given by S is the one for which the base is this. हमारा प्रोपोजिशन कहता है कि इस फैमिली के जितने पॉसिबल फाइनाइट सेक्शंस हो सकते हैं वो बनाएगा बेस. तो बेस पे क्या हो जाएगा, इफ आई टेक एन एम्प्टी सब फैमिली आई विल गेट एक्स. ठीक है, आई विल गेट एक्स, देन आई विल गेट केवल इसका ले लें सेक्शन विद इटसेल्फ, एक ही मेंबर ले लें क्या मिलेगा, ये मिलेगा. इसको ले लें क्या मिलेगा, इसका फाइनल सेक्शन क्या मिलेगा आपको, इसका मिलेगा आपको बी, ये मिलेगा. तो इससे जो बेस मिलेगा वो पिक्चर क्लियर हो गई, वही आपके ये हो जाएगा. ये बेस हो गया, ये बेस हो गया. फिर टोपोलॉजी क्या होगी, टोपोलॉजी क्या होगी, टोपोलॉजी जो होगी, अगर बेस मालूम है तो टोपोलॉजी क्या होती है, ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस थिंग. याद है कि नहीं, टोपोलॉजी कैसे मिलती है, ऑल पॉसिबल यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ दिस बेस. तो इफ यू टेक यूनियन ऑफ नो मेंबर वाई मिल जाएगा, यूनियन ऑफ ओनली दिस यू विल गेट दिस थिंग, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. ये सब तो होंगे ही, एक एक कर ले लिया आपने, फिर ले लिया इसका यूनियन इसके साथ, क्या मिलेगा आपको, ए बी सी. फिर इसका यूनियन इसके साथ ले लीजिए, इसका यूनियन क्या मिलेगा, ए बी तो ऑलरेडी हो चुका है, इसका यूनियन इसके साथ क्या मिलेगा, बी सी, वो भी ऑलरेडी हो चुका है. बस यहीं पे आपको स्टॉप करना पड़ेगा. सो नाउ यू हैव द फुल पिक्चर इफ यू स्टार्ट विद दिस. तो इससे जो टोपोलॉजी मिलेगी वो आपकी निकल करके आएगी ये वाली. राइट, तो ये दिखाता है कि कैसे अगर कोई फैमिली ऑफ सबसेट दी हो तो उससे हम जो टोपोलॉजी पैदा होती है वहां तक कैसे पहुंचे. तो पहले स्टेप में बीच का स्टेप क्या है कि पहले उससे आप बेस बना लीजिए, फिर उस बेस के बाद उस बेस से टोपोलॉजी मिलेगी, ये टोपोलॉजी मिल जाएगी आपको. अगर यहीं पर हम दे देते मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, सपोज आई टेक दिस वन, आई टेक दूसरा ले लेते हैं, सपोज माई एस वन इज डिफरेंट सेट, सपोज आई टेक ए बी, तब क्या हो जाएगा हमारे पास,
तो इसके इससे सब बेस क्या मिलेगा, इससे सब बेस मिलेगा, मान लीजिए लिखते हैं बी वन, तो एम्प्टी फैमिली कंस्ट्रक्शन ये हो जाएगा, अकेले इसका ये होगा, अकेले ये होगा, और इन दोनों कंस्ट्रक्शन तो फाइव होगा, ये तो मिलेगा आपको इससे बेस। फिर टोपोलॉजी क्या मिलेगी, इससे टोपोलॉजी मिलेगी जो बेस है उनके मेंबर्स का, ऑल पॉसिबल यूनियंस, तो फाइव मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा, और नया कुछ नहीं मिलेगा, नया कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो दिस शुड गिव एन इंडिकेशन कि अगर कोई फैमिली ऑफ सबसेट दी हो तो कैसे हम उसकी जो एसोसिएटिव टोपोलॉजी है उसको निकालें, राइट। तो ये जो टोपोलॉजी मिलती है स्टार्टिंग विद अ सब बेस, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस। तो कोई भी आपको एस दिया हो, कोई फैमिली सबसेट दिया हो, पहले उसका करस्पॉन्डिंग जो बेस हो निकाल लीजिए, और फिर उस बेस की करस्पॉन्डिंग टोपोलॉजी निकाली, जो टोपोलॉजी मिलेगी उसको बोलेंगे द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस थिंग, राइट राइट। एंड इस often denoted as this, ये आपका जो है pointed brackets हैं, right? और इस बीच पे ऐसे, ये हमारा pen ठीक से नहीं चल रहा आज, इसकी टिप खराब है, समथिंग लाइक दिस थिंग, राइट, समथिंग लाइक दिस थिंग। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, दिस इज द मीनिंग ऑफ टोपोलॉजी। ओहो, पेन हमारा आज ठीक नहीं चल रहा है, इसकी टिप बदलनी पड़ी। जनरेटेड बाय ए गिवन फैमिली ऑफ सबसेट्स, तो हर सब बेसिक टोपोलॉजी मिलेगी आपको, राइट। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देन आई विल पास ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेश पेज। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। ओके ओके, सो आई विल पास ऑन। ओके, मोर एग्जांपल्स। ऑन आर the topology for which this is a subbase, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ आर है, और हमारी प्रोपोजिशन कहती है कि किसी फैमिली को सब बेस होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो ये सब बेस तो होगा ही होगा। तो जो टोपोलॉजी मिलेगी, द टोपोलॉजी फॉर विद सब बेस इज कॉल्ड द लोअर लिमिट
topology on R. या लोग बोलते हैं और राइट हैंड ओपन या आर एच ओ टोपोलॉजी ऑन आर. ऐसे ही यू कैन डिफाइन अपर लिमिट टोपोलॉजी ऑन आर या लेफ्ट हैंड ओपन टोपोलॉजी. तो उसमें क्या हो जाएगा, सब बेस, उसमें सब बेस ऐसा हो जाएगा, इसको ओपन रखिए, इसको क्लोज कर दीजिए, बाकी सब चीजें अनचेंज्ड हैं, ठीक है. इसको बदल दिया, इसको बोल देंगे लोअर लिमिट टोपोलॉजी, इसको बोल देंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी. और देखिए ऑन आर द टोपोलॉजी जनरेटेड बाय दिस सब बेस. इसमें क्या है, इसमें हम ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए, ए बिलोंग्स टू आर यूनियन बी टू इन्फिनिटी दिस इज द यूजुअल टोपोलॉजी. क्यों, इसलिए सिंस द बेस गिवन बाय एस इस क्या मिलेगा आपको. देखिए ऐसा है, ये रियल लाइन है राइट. और मान लीजिए ये ए है, तो ये हो जाएगा आपका ये. ऐसे यहां पर कहीं मान लीजिए बी है, ये हो जाएगा बी इन्फिनिटी. तो बेस में क्या मिलेंगे, ऐसे सभी सेट्स के ऑल पॉसिबल फाइनाइट सेक्शन. तो अगर एम टी फैमिली हो गई तो एक्स मिल जाएगा, अगर ए और बी ऐसे हो गए, अगर ए स्ट्रिक्टली छोटा हो गया बी से क्या मिल जाएगा आपको, इनकंट सेक्शन फाइव मिल जाएगा. अगर ये बी यहां पर आ गया, अगर ये बी और कुछ भी, अगर बी यहां पर होता तो क्या मिल जाता आपको, ओपन इंटरवल बी कॉमा ए मिल जाता. या अगर ये यहां चला जाता क्या हो जाता आपको, ओपन इंटरवल बी कॉमा ए हो जाता. तो या तो आपको ऐसे सेट्स मिलेंगे, या आपको ऐसे सेट्स मिलेंगे, उसके अलावा क्या मिलेंगे, उसके अलावा आपको ऐसे मिलेंगे एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड एक्स इज लेस देन वाई, ये मिलेगा आपको. तो दरअसल मिले क्या आपको, एक्स और फाई के अलावा यहां पर एक्स नहीं, एक्स एक्स किसके बराबर है, एक्स बराबर यहां किसके है, रियल लाइन के बराबर है, कि हमारा x बराबर r के है, राइट. दिस इज माई x, दिस माई x. दिस मिलेगा क्या, या तो r मिलेगा या फाइव मिलेगा, उसका नाम मिल जाएगा ओपन इंटरवल. तो सारे ओपन इंटरवल जो है, सारे ओपन इंटरवल जो इसके बेस हो गए. तो रियल लाइन की यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, यूजुअल टोपोलॉजी क्या होती है, उसमें एक सेट ओपन होता है इफ एंड ओनली इफ उस ओपन सेट के हर पॉइंट s के लिए आपको एक बेसिक ओपन सेट मिल जाती है, बेस हो जाएगा. क्योंकि आप कोई भी ओपन सेट लीजिएगा, कोई भी ओपन सेट लीजिएगा रियल लाइन का, कोई भी लीजिएगा ओपन सेट, उसका कोई एलिमेंट एक्स ले लीजिए, तो वो ओपन सेट कितना भी छोटा होगा, आप एक छोटा
ओपन इंटरवल जरूर खोज लीजिएगा जो कि उस सेट के अंदर बिलोंग करेगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म ए बेस फॉर द यूजुअल टोपोलॉजी। सो दिस इज यूजुअल टोपोलॉजी का ये आपका एक सब बेस हो गया, राइट। तो टोपोलॉजी को हम सब बेस से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे यूजुअल टोपोलॉजी को आई कैन डिस्क्राइब बाई दिस सब बेस, या और कुछ और लेंगे तो आपको और टोपोलॉजी मिल जाएंगी, राइट। तो टोपोलॉजीज को डिस्क्राइब करने का एक माध्यम है थ्रू इट्स सब बेस। बेस से डिफाइन कर सकते हैं, सब बेस से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और क्या देखा था उसके पहले, क्लोजर ऑपरेटर से डिफाइन कर सकते हैं, क्रोटोसी क्लोजर ऑपरेटर था, और क्या डिफाइन कर सकते हैं, नेबर सिस्टम डिफाइन कर, बहुत सारे तरीके हैं। सो एनीवे, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट सब बेस। इसका लीजिए, इसकी कॉपी कीजिए, देन आई विल पास ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। बोलिए, हो गया? यस सर। ओके, सो आई विल क्विकली कम टू द नेक्स्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग ये है, अब जैसे मान लीजिए कि लेट एक्स टी बी ए टॉपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। डेफिनेशन, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स इज कॉल्ड a limit point of A if for every neighborhood of X n intersection A minus X is not empty. It is said to be an adherent point of A if for every neighborhood n of X this is equal to this thing. What it means is, ये अगर आपका X है, ये कोई subset है, तो कोई पॉइंट एक्स, चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, राइट, तो ये एक्स जो है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये कहलाएगा इसका लिमिट पॉइंट। यदि कोई भी नेबरहुड ले, ये नेबरहुड ले ली, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर वो ए से इंटरसेक्ट करती है एट ए पॉइंट अदर देन एक्स, यानी उस सेक्शन में इसके अलावा भी कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, तब हम बोलेंगे दिस एक्स इज द लिमिट पॉइंट। जैसे मान लीजिए अगर ये एक्स है और अगर आपको इसकी नेबरहुड ये मिल गई, ऐसी नेबरहुड मिल गई, तो इसका इंटरसेक्शन ए से एम्प्टी मिल गया, ठीक है, तब ये इसकी लिमिट। देखिए, ध्यान दीजिए, इफ फॉर एवरी नेबरहुड, इस पर ध्यान दीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इफ फॉर एवरी नेबरहुड, एक के लिए चेक नहीं करना, आपको सब नेबरहुड के लिए चेक करना है। इफ फॉर एवरी नेबरहुड एन, हर नेबरहुड शुड कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स, और यहां पर है यू शुड कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए, चाहे वो पॉइंट एक्स के बराबरी क्यों ना हो। यहां पर एक्सेप्शन है, वो पॉइंट जो मिले एन और ए में, जो कॉमन पॉइंट मिले वो एस के अलावा होना चाहिए, राइट। सॉरी, आई एम सॉरी, नॉट एम्प्टी, यह दिस इज, दिस शुड बी नॉट एम्प्टी, राइट। लिमिट पॉइंट को कुछ किताबें बोलते हैं और कुछ लोग एपोलेशन पॉइंट बोलते हैं, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, और
क्लस्टर पॉइंट, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित ये नाम है, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिट पॉइंट, राइट? एंड ए डैश इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए एंड इज कॉल्ड the derived set of A, right? तो एक बार पिक्चर समझ लीजिए कि हम फिर से नई पिक्चर ड्रॉ कर देते हैं. ये x है, ये a है, ये पॉइंट x लिमिट पॉइंट कब होगा? जब x की हर नेबरहुड छोटी से छोटी, कितनी भी छोटी वैसी होनी चाहिए कि उसके अंदर इस एक एक पॉइंट जरूर होना चाहिए अदर देन दिस x. अगर ऐसा नहीं है तभी x लिमिट पॉइंट नहीं होगा. जैसे मान लीजिए ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट दिस be discrete and A be a subset of X, then if X is not in A, then X cannot be a limit point of this thing. क्यों? इसलिए, since this is open in T, hence a neighborhood also of this thing. तो आपने जो ही यहां पर ये एरिया यहां पर x लिया, तो ये सिंगल पॉइंट सेट भी यहां पर ओपन है क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी है. तो अगर ये एक्सेस पे नहीं है तो ऑब्वियसली इस नेबरहुड का कोई भी ए में पॉइंट नहीं मिलेगा, राइट? क्योंकि एक्स डस नॉट बिलोंग टू दिस थिंग. सो अनलेस दिस एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग. उल्टा, अगर एक्स टी डिस्क्रीट होता, अगर एक्स टी इनडिस्क्रीट होता, तो इनडिस्क्रीट स्पेस में तो ओपन सेट्स का अकाल है, राइट? अकाल इस सेंस में है कि इस पे दो ही तो ओपन सेट्स हैं, एक फाई और एक एक्स. अब यहां पर अगर लेते हैं, हमने एक्स ले लिया यहां पर, तो इस एक्स को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन सा मिलेगा? दो ही तो ओपन सेट्स हैं, फाई और एक्स. फाई तो कंटेन करेगा नहीं, तो पूरा एक्स जो है, दिस इज द ओनली ओपन सेट कंटेनिंग एक्स. सो एक्स इज द ओनली, कैपिटल एक्स इज द ओनली नेबरहुड ऑफ दिस थिंग. और इसका सेक्शन ए तो आपको नॉन एम्प्टी दिखाई पड़ जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, राइट? सो यू कैन सी दैट कि इस केस में देयरफॉर ए डैश विल बी इक्वल टू द होल ऑफ एक्स इफ ए इज नॉट एम्प्टी. ए के लिमिट पॉइंट कहीं भी लीजिएगा, कोई भी पॉइंट लीजिएगा. I'm sorry. मैं क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया. A dash will be equal to A dash, कोई भी पॉइंट लेंगे इसके बाहर, this will be only A. ठीक है, okay. So this is the meaning of the limit point, and I'll give you more examples now on the next term, right? And we shall prove ye yaad rakhne wali cheez hogi ki hamesha a closure is equal to a union a dash. Aur ye aapne metric space wale case mein hi padha hoga, but anyway,
ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ए क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू दैट सेट यूनियन इट्स डेराइव सेट. कैसे होगा दैट वी शैल सी टुमारो. ओके सो दिस ऑल फॉर टुडे. ठीक है. ओके सर. ओके सो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट इफ यू विश. टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन लीव देन. थैंक यू सर. ओके ले लिया स्क्रीनशॉट. हो गया. हाँ बोले बोले सर. हम लोग ने जो जैसे कोई आंसर अगर अपलोड नहीं हो पाया था एग्जाम में तो मेल किया सर, तो मेल के आंसर चेक हो जाएंगे. हाँ हाँ सब 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 होगा. सब हो रहा है. सब हो रहा है. चिंता मत कीजिएगा. है हाँ ठीक है ठीक है. सबके है. सबके हमारे पास है. सब 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 कुछ है. बस कुछ दिन में अरेंज करके हम अपलोड कर देंगे. ठीक है. हमारे घर में किसी को कोरोना हो गया इसलिए हम परेशान थे बिल्कुल. है ना. हमारे मतलब रिलेटिव में उन्हीं के यहाँ जाना पड़ता. ठीक है ठीक है. दो चार दिन में खाली जाएंगे वहां से. ठीक. ओके थैंक यू. ओके ओके थैंक यू.